YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, जोश हाई है, बातचीत के लिए भी तैयार हैं और जंग के लिए भी तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और भारतीय सेना ने, वायुसेना ने ये करके दिखाया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस तरफ रुख करते हैं। पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक चल रही है, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक चल रही है, पीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक जारी है और तमाम सूरत हाल पर चर्चा चल रही है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठक में शामिल हैं। पीएम आवास पर इस बैठक को लेकर बहुत सारी बातें हैं और जिस तरह से जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, सरहदों की बात की जाए, जवान तैनात हैं हर तरफ से और हर तरीके से तैनात हैं और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। इस वक्त ये एक अहम खबर आ रही है और सुबह से ही लेकर तमाम अपडेट्स से आपको रूबरू करा रहे हैं। और भारत ने डोजर सौंपा है जो पाकिस्तान बार बार कि सबूत दीजिए, हर चीज के लिए तैयार हैं, जांच करवाएंगे, सबूत दीजिए। तो दसियों बार पहले सबूत दिए जा चुके हैं, फिर सबूत दिए हैं आपको, अब आप कुछ कीजिए क्योंकि भारत ने तो तुम्हारा काम भी किया। भारत ने तो आतंकवाद का रोना जो पाकिस्तान की तरफ से रोया जाता है कि हम खुद उससे पीड़ित हैं, तो भारत ने तो तुम्हारी सरहदों के अंदर जाकर, हालांकि पीओके की अगर बात की जाए तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर जाकर आतंकवादी कैंपों पर हमला किया है, आतंकवाद से तुमको भी मुक्ति दिला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आई और आज जो जिस तरह के हालात रहे हैं, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन उनकी गिरफ्त में है, तो वो भी एक बहादुरी के साथ। उन तमाम पहलुओं को आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। ये जो अब तक नहीं पता चल पाया होगा कि विंग कमांडर वहां पहुंचे कैसे, क्या कुछ उस वक्त की सूरत हाल थी, वो सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे। क्योंकि अब तक पाकिस्तान इस चीज को लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी जो हमारे सैनिक ने बहादुरी दिखाई है वो सबसे बड़ी है। और पीएम आवास पर इस वक्त उच्च स्तरीय बैठक जारी है, सेना के तीनों अध्यक्ष बैठक में शामिल हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन साहब हैं, स्वागत है सर आपका। मेरे साथ कैप्टन सुरेश शर्मा जी हैं, स्वागत है सर आपका। कैप्टन सुरेश शर्मा जी, क्या कहेंगे जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जो चीजें अब आ रही हैं, सेना के तीनों अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं, क्या चीजें इशारे हैं, किस तरफ से चीजें गुजर रही हैं? प्राइम मिनिस्टर कोई भी फैसला खुद अकेले ही नहीं लेंगे, दो ही जो लीडर वो लीडर हैं, फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है। तीनों चीफ जो हैं वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज रखेंगे और अभी तक जो हुआ है वो हमारा ऊपर हाथ है। अगर विंग कमांडर अभिनंदन उनके पास हैं तो ये तो लड़ाई में होता है, ऐसा नहीं है कि वो हमारी कोई हार हुई है, अभी कुछ जीत हुई है। वो आई मस्ट अप्रिशिएट के भी विंग कमांडर अभिनंदन जो हैं उनको चेज करके गए, उन्होंने F-16 गिराया MiG-21 के साथ और वो बहादुर हैं कि उन्होंने कोई परवाह नहीं की है और पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको मारा है जी। तो अभी हमारा जो है, हमने हमला नहीं किया, हमने सिर्फ उनको एक सबक सिखाया कि सबक सिखाया और हमला आतंकवादी कैंपों पर किया, हमने सिविलियन हमला नहीं किया, हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं किया। और अगर पाकिस्तान अभी कबूल करता है कि हमारे यहाँ हमला हुआ और कुछ लोग मरे हैं, जो के सबूत आएंगे, ऐसा नहीं कि सबूत नहीं आएंगे, तो उसमें वो उस सूरत हाल में जो है हमारे ऊपर रिटेलिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज वो रिटेलिएट नहीं कर सकते मिलिट्रीली। अच्छा, जो बार बार की इमरान खान आज भी बोल रहे थे कि हम तो पुलवामा के भी आपसे सबूत मांग रहे हैं, जांच करवाएंगे, पहले भी कई बार इनको सबूत दिए गए हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, सारे सबूत हैं, क्या होगा उन्हें सबूत देने से? खैर वो दिए जाएंगे, दे दिए भी गए हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ करेंगे? जब उनकी रेपुटेशन ही ये है कि झूठ बोलना और स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, सच्चाइयों को छुपाना अपना एक मुद्दा है, वो दूसरों के पैसे पे जीना चाहते हैं, वो आतंकवाद को इस्लाम का मोड़ देते हैं। अगर आप देखें वो परमाणु बम को भी इस्लामिक बम बोलते हैं, वो इस्लामिक कंट्री से पैसे लेते हैं और ये झूठ के ऊपर जिंदा रहते हैं। बिल्कुल, हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, हमारे पास कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है, उनके पास है जी। और इसी के कारण उनकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, उनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास कोई और चीज नहीं है, आतंकवाद इज एन इंडस्ट्री फॉर देम। बिल्कुल, और आतंकवाद, पाकिस्तान की आवाम को भी ये सोचना होगा कि आतंकवाद
आतंकवाद के नाम पर अगर कोई इस्लाम का जिक्र कर रहा है, तुम लोग समझदार हो समझिए, तो आपको बरगलाया जा रहा है। आतंकवाद का और इस्लाम का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। दिनेश नैन साहब, कर्नल साहब, जो आज कुछ हुआ है, कल की तस्वीरें थी, कल तक जब जवाब नहीं था पाकिस्तान के पास, यानी हवा से लेकर जमीन तक घिरा हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, कुछ कहने सुनने के लिए नहीं था, आज उसे थोड़ा मौका मिला था। आज उसको इस तरह से हाइप किया जा रहा है कि देखिए हमने विंग कमांडर पकड़ लिए, देखिए हमने ये गिरा दिया, देखिए हमने ये किया, जबकि हकीकत कुछ और है, और वो हकीकत आप बताएंगे। देखिए सर, झूठ का बवंडर है पाकिस्तान का, एक नाम, सिर्फ एक ही नाम है, उसका नाम है झूठ। कल रात से हमारी 15 पोस्ट के ऊपर, जो कि पूंछ से शुरू होके किशन, हमारी जो केजी है पंजाब हिल करके एक जगह पड़ती है, कृष्ण घाटी बोलते हैं उसको, उस क्षेत्र से होते हुए मेहंडर, फिर भिम्बर वाली गली और वहां से होते हुए नौशेरा तक, इस क्षेत्र के अंदर प्लस अखनूर के क्षेत्र में जो सियालकोट के बिल्कुल अपोजिट पड़ता है, करीब 15 पोस्टों पर भारी बमबारी पाकिस्तान ने शुरू की जी। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो इनके लाहौर के सामने हमारे आईबी का इलाका पड़ता है, अमृतसर से लेकर पठानकोट के क्षेत्र की तरफ का, उसके अंदर भी इन्होंने जितने भी गांव थे रातों रात खाली कराए, क्योंकि इनके पास में सवेरे जाते जो गांव बहुत ही ज्यादा नजदीक थे हमारे बाउंड्री के, तो उसमें मॉर्निंग में नमाज पढ़ने की सब आवाजें वगैरह आती थी, लेकिन हम वहां पे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आज हमने क्या किया, हमने इनके 5 लोकेशंस पे 5 पोस्टें बुरी तरह तबाह कर दी, जहां से ज्यादा गोलाबारी करने की कोशिश कर रहे थे। परंतु इसी दौरान में इन लोगों ने एक एडवेंचर किया हमारे खिलाफ। इनके 3 F-16 15 स्क्वाडन सगोदरा एयरबेस से टेक ऑफ करते हैं, और इनका इरादा क्या है जी, कहने को तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने तो वहां पे खाली जगह पे बॉम्ब डाला, ऐसा नहीं है। इनका इरादा था, इनका गलत इरादा था, वो ये था कि ये आकर के हमारे नौशेरा और रजौरी के क्षेत्र में जो न्यारी करके हमारा जो पूरे डिवीजन का जो हमारा एम्युनिशन डंप है, जहां पे हमारा एम्युनिशन पूरा रखा हुआ लड़ाई का, ये उसको बर्बाद करने के इरादे से आए थे। इनमें से एक जहाज जो है वो एलओसी के ऊपर चक्कर काटने में रुक गया और 2 जहाज एंटर किए। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हमारी जो एयर डिफेंस की गन्स थी वो जनरली हम इंपोर्टेंट लोकेशंस पे इंस्टॉलेशंस पे रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया एम्युनिशन डंप हो गया, हेडक्वार्टर्स हैं, एयर बेसिस हैं, या फिर हमारे और इंपोर्टेंट लोकेशंस हैं, सिविल के अंदर भी हैं या मिलिट्री के भी हैं। लेकिन हम लोगों ने काफी कुछ एडी बॉर्डर पे एलओसी के लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ में डिप्लॉय कर रखी थी। जैसे इन्होंने एंटर किया, एकदम से ये एडी के एयर डिफेंस की फायर के अंडर में आए और ये बौखला गए। बौखलाहट के अंदर इन्होंने बॉम्ब तो छोड़ा, क्योंकि न्यारी बॉर्डर एलओसी से ज्यादा दूर नहीं है, इनके लिए मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर ये एलओसी क्रॉस करते ही ये न्यारी पे अटैक कर सकते हैं। तो न्यारी के वहां पे बॉम्ब डालने की कोशिश की, जो बॉम्ब न्यारी से आधा किलोमीटर आगे जाके गिरा खाली इलाके में और वहां फट गया। परंतु तब तक सेकंड स्क्वाड्रन 21 बायसन के 2 एयरक्राफ्ट एयरबोर्न जो थे रेकी पे, तो पेट्रोलिंग पे थे, वो तुरंत हरकत में आ गए और आते ही वो इनके साथ में स्क्रम्बलिंग पोजीशन पे पहुंच आ गए और इनके साथ में इनकी डॉग फाइट शुरू हो गई। उनको देखते ही दुम दबा के वापस पाकिस्तान की तरफ भागे। जो अगले वाला एयरक्राफ्ट था उसके पीछे, जो सेकेंड एयरक्राफ्ट था इनका F-16, उसके पीछे विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 बायसन लग गया। जो इनके F-16 है उसके अंदर एक खासियत है कि वो हाई स्पीड पे चलते चलते और एकदम वर्टिकल ऊपर की तरफ जा सकता है एकदम, ताकि जो दूसरे जहाज इसमें काबिलियत नहीं है वो सीधे चले जाएं, आगे निकल जाएं, और ये घूम के उसके पीछे लग जाए। तो जिस तरफ इनकी चेजिंग चल रही थी, सामने एक पहाड़ था जो कि पाकिस्तानी एरिया में आता है, नौशेरा के पास में जो क्षेत्र है उसके, उसको क्रॉस करने के बाद, तो वो उस डायरेक्शन में जा रहा था। उसका इरादा था कि ये मैं ऊपर चला जाऊंगा, पीछे से अभिनंदन का जहाज जो है वो पहाड़ में टकरा जाएगा। परंतु इससे पहले वो ऊपर जाता, अभिनंदन ने मिसाइल दाग दिया और MiG-21 क्रैश हो गया। परंतु तब जब तक अभिनंदन ये काम कार्रवाई खत्म करते, ये पहाड़ के बहुत नजदीक आ चुके थे और वहां से जहाज को दाएं बाएं बचाना बहुत मुश्किल था, तो तुरंत इन्होंने इजेक्ट कर दिया। इसलिए जब सुबह ने रिपोर्ट आई तो 2 पैराशूट इकट्ठे दिखाई दिए, एक तो वो जिसको अभिनंदन ने उड़ाया वो तुरंत इजेक्ट हुआ, और साथ साथ में जो अभिनंदन इजेक्ट हुए तो 2 पैराशूट नीचे आए।
नीचे उतरने के बाद कुछ सिविलियंस ने इनको घेरा अभिनंदन को, और प्लस वहां पे जो 23 डिवीजन है पाकिस्तान की उसके कुछ लोग सैनिक वहां पे पहुंचे। 23 डिवीजन इसको लेके जाती है और वहां पर जो 10 कोर है 10 कोर का जो जनरल साहब है अहमद साहब वो रिपोर्ट देते हैं रावलपिंडी के अंदर। क्या रिपोर्ट देते हैं वहां पे डीजी जो आप इनके हैं जो पीआर के पब्लिक रिलेशन वाले झूठी कि दो हिंदुस्तानी पायलट पकड़े हैं। इनको यह भी नहीं पता कि हम पाकिस्तानी को पकड़ के बैठे हैं। दूसरा जो जहाज वापस गए सगोदर आपने एयरबेस के ऊपर तो लैंड करने के बाद यह भी तो गिना होगा ना कि दो है या तीन, और उसके बाद ब्रीफिंग भी हुई होगी डीब्रीफिंग क्या करके आए हो, तो इनका क्या तालमेल है। तो इन लोग तो झूठ बोलने के अलावा इनको कुछ पता नहीं है। हाँ, हमारा एक सैनिक पकड़ा गया बहादुरी के साथ लड़ता हुआ, लड़ाई में यह होगा जी, लड़ाई में इसको आप बना नहीं कर सकते बिल्कुल। और अब जिस तरह से जो झूठ था तो बस फिर उस झूठ को मानने, क्योंकि वो जरूरी हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलेगी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार आवाम से, तो सरकार के वहां के लोग उसको जीने नहीं देंगे। कैप्टन सुरेश शर्मा जी, क्योंकि पाकिस्तान एक प्रेशर में आ गया, उसका आवाम जो है उसको बोला कि तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार गए तुम्हारे घर में आकर के, तो कुछ तो करेंगे। अब कुछ तो करेंगे, अब वो कुछ और ड्रामा किया वो, और रिटेलिएट तो नहीं कर सकते क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे रिटेलिएट नहीं कर सकते और ना ही वो सिविलियन टारगेट पे रिटेलिएट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक ड्रामा सा किया और कुछ भी बाई चांस जो है लड़ाई में तो ये होता ही है कि हमारे पायलट ने इजेक्ट किया तो उनके हाथ में बहादुरी के साथ किया, बहादुरी के साथ किया और MiG-21 के साथ उसने F-16 को गिराया जो एक मिसाल है अपने आप में, और गिरा के और ही चेजिंग अनदर वन, तो इट्स ओके। तो उसमें पाकिस्तान ने अभी सबके सामने आ गया, कभी वो डिनाई करते हैं तो कभी हाँ करते हैं कभी ना करते हैं, तो उनका ये डिनाइल का जो मोड है वो चलता रहेगा। अच्छा कैप्टन कर्नल दिनेश नैन साहब, अब जो चीजें जो एक बातचीत की बात कर रहा है पाकिस्तान कि बातचीत जंग से मसलों का हल नहीं होता, ये क्या है? देखिए इमरान खान जो है वो बुरी तरह से प्रेशर में आ चुका था। रावलपिंडी के जो प्रेशर है आज कठपुतली जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बिठा रखा है, ये सारी भाषा जो सवेरे से वो बोल रहे थे दो पायलट के झूठ बोलने की भी, वो भी सिर्फ सेना की भाषा थी। अब जो ये लोग दोबारा से बिठाया गया है, अगर आप उसके ऊपर जो तकनीकी तरीके से इनकी स्पीच को देखा गया इमरान खान की, तो वो स्पीच भी पहले से रिकॉर्डेड है और उसके अंदर भी 7 कट है, काट काट के सेना ने जो है ठीक ठाक करके उसको रिलीज किया है। उसके अंदर है क्या? उसके अंदर बार बार ये कहना शांति को एक मौका दो, हमें ये करना चाहिए, दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम तो बहुत ज्यादा शरीफ लोग हैं, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन देखिए अब इनके इस बहकावे में कोई भी नहीं आने वाला, पूरी दुनिया को इनकी पूरी कारिस्तानी क्लियर है। 4 देशों से घिरा हुआ यह देश है, चारों देशों में आतंकवाद फैलाने में माहिर है, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे जियांग प्रोविंस इनके चाइना का हो, और चाहे आप लगा लीजिए हिंदुस्तान, सभी के टेररिस्ट की जो ट्रेनिंग है वो बालाकोट के उस ट्रेनिंग कैंप के या ट्रेनिंग मशीन ट्रेनिंग वाले सेंटर में हुई, और जिसको तबाह करके हिंदुस्तान ने बहुत बढ़िया काम किया। तो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैप्टन भूपेन सिंह जी हैं, वीर चक्र विजेता हैं, और साथ ही कर्नल रोहित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर कर्नल और चौधरी साहब, बहुत सारी बातें जो एक अभी जिक्र चल रहा है और जिस चीज को लेकर पाकिस्तान फिलहाल उछल रहा है कि विंग कमांडर हमारे कब्जे में है, हमने ये किया वो किया, वो सारी तस्वीर कर्नल साहब ने पेश कर दी नैन साहब ने। अब जो चीजें आगे बढ़ रही हैं, अभी कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि उच्च स्तरीय बैठक चल रही है पीएमओ पर, तमाम जो सेना के अध्यक्ष हैं तीनों सेनाओं के वो वहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो बातचीत की पेशकश की जा रही है बार बार की जा रही है, इसको लेकर क्या सोचा जा सकता है? पाकिस्तान मैं जैसे दिन में भी आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के पास पूरा इतना सक्षम नहीं है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर सके, फुल फ्लेज वॉर कर सके। वो उन्होंने सिर्फ एक वो दिखावा करना था कि हमने भी कुछ किया है, कुछ किया। अगर आप उनकी स्टेटमेंट जो आधिकारिक स्टेटमेंट जो जारी की गई है उसमें उन्होंने बार बार कि हम जो है नॉन मिलिट्री टारगेट के, हम ब्रॉड डे लाइट के अंदर हिंदुस्तान में आकर एक्शन करके दिखाना चाहते थे, तो ये और फिर उसके बाद ये भी कहना कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, पीस रखना चाहते हैं,
तो ये बार बार वो सिर्फ ये अपने अपने देश के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने कुछ किया है, और लेकिन उनका बूता इतना नहीं है कि वो प्रॉपर वॉर के अंदर आ सके या कोई और बड़ा एस्केलेशन करना चाहें, और उन्होंने फिर यही कहा है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। तो इन सारी चीज को देखते हुए जो उनका साइक है इस टाइम पे कि भाई अब हम इस जंजाल में फंस चुके हैं, भाई किसी तरह से हमें कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम शांति की बात करें, अपनी इज्जत भी बचा लें और शांति भी बन जाए दुनिया के, थोड़ा सा उनका फेस सेविंग हो जाए, वो फेस सेविंग देख रहे हैं। लेकिन मैं यहां से एक चीज और कहना चाहूंगा बड़े क्लियर उसमें कि भारतीय सेना बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है और वो इस इरादे से बैठी हुई है इस समय कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसको किसी तरह से भी कुचला जाएगा। और जो आज जो एक रिजॉल्व दिखाई दिया है कि जो MiG-21 जो हैं उन्होंने F-16 को चेज किया है और उनको अपने अपने टेरिटरी में घुसने नहीं दिया, और उनकी टेरिटरी में घुस के एक MiG-21 ने F-16 को उड़ाया है, जो कि जनरेशन से 3 जनरेशन डिफरेंट एयरक्राफ्ट है। और हैट्स ऑफ टू अभिनंदन पांडे, अभिनंदन और वहां भी बहादुरी से अपनी बात, ऐसा नहीं से चेहरे पर जितने इतना दुश्मनों के कब्जे में, वीडियो रिलीज हुआ है उससे दिखाई देता है कि हमारे फौज की जो ट्रेनिंग है वो इतनी मजबूत है, वो आदमी को इतना मजबूत बना देती है कि उसने कहा है कि मैं अपने मिशन के बारे में नहीं बता सकता, मेरा नाम ये है, आप किस एयरक्राफ्ट में थे, वो कहता है आपको मालूम चल गया होगा कि कौन से एयरक्राफ्ट में, लेकिन ये मेरा काम नहीं है बताना। तो बड़े एक रिजॉल्व दिखाई देता है, एक ताकत दिखाई देती है, ये सारी हमारी सेना की जो ट्रेनिंग है वो दिखाई देती है। आता हूं शर्मा जी आपके पास, कैप्टन साहब, अब जो मैंने वही सवाल आपसे करूंगा क्योंकि आप जुड़े हुए भी हैं। कैप्टन साहब, जो बातचीत बार बार और अब तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग चल रही है, हालांकि ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, आज इस बात को लेकर पाकिस्तान कल तक नहीं बोल रहा था, इमरान खान कल तक नहीं आए बोलने के लिए, अब उनकी फौज ने उनको झूठ परोस दिया कि देखिए ये किया वो किया, अब हमारे कब्जे में ये है, हमने ये गिरा दिया, वो तमाम चीजें हैं। आगे की सूरत हाल क्या लग रही है जंग को लेकर, जो बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, बातचीत से मसले के हल हो, डोजियर की बात की जाए थी, वो सबूत की आज भी बात कर रहे थे, सबूत भी उनको सौंप दिए गए हैं, डोजियर उनको दे दिया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है और पाकिस्तान में एक युद्ध करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो बीच बचाव का एक रास्ता निकालना चाह रहा है। और ये जो जनरल जियाउलक ने डॉक्ट्रिन स्टार्ट की थी ब्लीड देम बाय 1000 cuts 1984 के अंदर, ये उसी का एक तरीका है। पहले इनको मालूम था कि ऑल आउट वॉर के अंदर पाकिस्तान की सेनाएं कभी भी भारत के साथ नहीं जीत सकती, और इंडिपेंडेंस के बाद ये 3-4 बार प्रूव हो चुका है, इसीलिए पाकिस्तान ये इख्तियार किया था और वो एक सर्टन लेवल तक इसको करते रहते थे। और पुरानी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी वो अपनी कमजोरी दिखाती रही और उन्होंने भारत को एक वीक नेशन की तरह प्रोजेक्ट किया और वो इस चीज़ को चलाने दिया। पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती गई और उसने ये सोचा अब भी इसी प्रकार का काम चलता रहेगा, परंतु आज की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, उसने इसकी एक नहीं सुनी और उन्होंने एक सर्टन लेवल से ऊपर जैसे ही ये बात गई उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है और अब पाकिस्तान फंसता नजर आ रहा है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि पूरा भारत आज पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है और इसको अब पीछे नहीं हटना चाहिए, हमारे को इसको आखिरी मुकाम तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब जब भी पाकिस्तान इस स्थिति के अंदर फंसा है वो बीच में से बहाने बनाए निकलने का एक रास्ता निकाला है, और जैसे चोर पकड़ा जाता है ऐसे ही आज वो 10 जगह नाक भी रगड़ वालों के रगड़ने को तैयार है, हर प्रकार का झूठा वादा देने को तैयार हो जाएगा 1 या 2 दिन के बाद, आप देख लो। आप कुछ कह रहे थे शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आज अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंच गया कि एक ही हमने पंच मारा छोटा सा और वो कहने लगे हम वॉर नहीं करना चाहते और हम बात करना चाहते हैं, क्यों? इसके पीछे गेम यह है कि हमने बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई कि हमने एनिमी को कमजोर किया डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली पिछले 4-5 साल में, और सरकार ने उसको इकोनॉमिकली वीक किया,
हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी में दोस्त बनाए, उनको समझाया बैठ के, ये नहीं है कि अक्रॉस द टेबल पर गुफ्तगू की, समझाया कि ये क्या करते हैं। पाकिस्तान, पूरा संसार जानता है कि आज एक टेररिज्म की नर्सरी है, तो सब लोग दुखी हैं उससे। तो हिंदुस्तान जो है बिल्कुल पास में है, तो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, तो उसको वीक करके एक ही पंच में ब्लडशेड नहीं किया। हमारे भी फौजी मरते हैं, हमारे भी दुनिया लोग यू नो देश जो है पीछे जाएगा, हमारा भी लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। हमने उसको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बजाय एक ऐसी कमर्शियल, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि पाकिस्तान को कमजोर किया और एक ही बॉक्स में हमने घुटने पर। साहब जी, देखिए आप और आखिरी आपके आखिरी वक्तव्य, आखिरी प्रतिक्रिया। जैसा कैप्टन भूपिंदर जी ने बताया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी पीछे हटने का तो सवाल नहीं है। स्क्रू को दिन प्रतिदिन हमें टाइट ही करना है। जिस देश का प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूमता हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके देश के अंदर पूरे टीवी चैनल्स वगैरह बोलते हैं, जिसने कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूं तो फांसी लगा लूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, पर कटोरा लेकर के ना तो अमेरिका छोड़ा, ना IMF छोड़ा, ना वर्ल्ड बैंक छोड़ा, ना वो क्राउन प्रिंस छोड़ा सऊदी अरब का, और चाइना तक में पहुंच गए। तो ये भिखारी भिखारी लोग हैं, इनके बड़ी मुश्किल से $20 बिलियन देके गया है वो सऊदी वाला भी, और वो भी कोई ऐसे गिफ्ट करके नहीं गया। ग्वादर पोर्ट के ऊपर पूरी रिफाइनरी लगेगी जिसका पूरा मालिक सऊदी अरेबिया होगा, और चाइना इस बात से नाराज हो चुका है। खैर, मैं आज के मुद्दे पे आता हूँ। तीन मुद्दे आज के बहुत इंपॉर्टेंट है जो हो रहे हैं। पहला तो जो प्रधानमंत्री के यहाँ पे अभी मीटिंग चल रही है नाजिर जी, दूसरा जो अभी इनके उच्चायुक्त को बुलाया गया था, और तीसरा मैं ये कहूंगा कि जो अभी वापिस से एयरपोर्ट सारे खोल दिए गए हैं, सारे एयरपोर्ट पहले बंद किए गए थे खुल गए हैं। इसके अंदर एक मेन चीज मैं सिर्फ ये कहूंगा, तीनों चीज गए पे एक चीज तो गई है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, परंतु जो आपने पूछा फ्यूचर में क्या करना है, देखो कराची दाऊद इब्राहिम, लाहौर हाफिज सईद, भावलपुर मसूद अजहर, और POK सलाउद्दीन, क्लियर कर दो पाकिस्तान को चारों पे। आज गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, फाइनेंस जेटली जी ने, कि जब ये जब नई चीज नहीं है, बिल्कुल नई चीज, जब अलकायदा के लीड को मार गया, तो ये चीज हिंट है कि बोल दो पाकिस्तान को कि अब चुपचाप हो जाओ, या तो खुद एक्शन लो नहीं तो हम मार रहे हैं। सर कर्नल चौधरी, 30 सेकंड्स में कुछ आप आखिरी आपकी। आज के अब जो हालात हैं, ये इस हालात को मैं पाकिस्तान के नजरिए से जो देखता हूं कि इसको फौजी टर्म में कहा जाता है टैक्टिकल विथड्रॉल। जब आपकी हार निश्चित हो तो आप अपना रास्ता ढूंढते हो कि किसी तरह से विड्रॉ करने का रास्ता ढूंढते हो, तो ये टैक्टिकल विड्रॉल वो उनका चल रहा है। एक थोड़ा सा उन्होंने हाइप कर दिया था, लेकिन ऐसा है कि हमारी फौजों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, ये तो बड़ा क्लियर है। और अब जिस तरह से तीनों चीफ की जो मीटिंग चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि क्या आने वाले समय के अंदर या इमीडिएट नेक्स्ट 24 आवर्स टू 36 आवर्स के अंदर क्या हमारी फौजों का क्या रवैया। कैप्टन भूपेंद्र जी, आखिरी प्रतिक्रिया, बहुत संक्षेप में मुझे खत्म करना है। जी बिल्कुल ठीक कहा है अभी कर्नल साहब ने, कर्नल चौधरी ने, उससे पहले कर्नल नैन साहब ने, कैप्टन साहब ने, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। बिल्कुल पूरा देश लामबद है, बिल्कुल, और पाकिस्तान को ये अंतिम मुकाम तक लेके जाना चाहिए। अगर आप पीछे मुड़ के देखें, जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, पूरी फोर्सेस मोबिलाइज हो गई थी, जनरल मुशर्रफ ने आके हर प्रकार की माफी मांग ली, हर प्रकार का आश्वासन दे दिया, हर प्रकार की आगे के लिए कह दिया, एक दिलासा दी कि जी हम लोग आगे नहीं चाहते, ठीक है, परंतु ये बार बार हुआ है। बिल्कुल, और अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, और जिन चार लोगों का नाम कर्नल नैन ने गिनाया है वो है, उन्हें दीजिए, बाकी काम कीजिए, आतंकवाद तुम्हारे लिए भी खतरा है और सबको नुकसान कर रहा है, और अब उसका खात्मा जरूरी हो जाता है, स्टेप उठा लिया गया है, कम से कम आतंकवाद का खात्मा तो किया ही जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बाकी सरहदों पर भी जोश है और देश में भी जोश है, दोस्ती की भी बात हमेशा भारत ने की, और जंग से भी कभी पीछे नहीं हटता, बल्कि हराता है और मार भगाता है। नमस्कार।